चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। सीएम योगी का बिग प्लान दिलाएगा जीत। सहयोगियों को बाबा करेंगे चुनाव में साइडलाइन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि ये सीएम योगी की दशा और दिशा तय करेगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, ऐसे में बीजेपी के अंदर सीएम योगी के खिलाफ बगावत के सुर सुनाई देने लगे थे। लखनऊ से दिल्ली तक हलचल थी, ऐसे में उपचुनाव में सीएम योगी को अपना जलवा साबित करना होगा, इसीलिए वो पूरी तैयारी में लग गए हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन से कम सीट मिलने पर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। वो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पूरा का पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति के सेमीफाइनल में सहयोगियों के बजाय अपने दम पर उतर सकती है। माना जा रहा है कि सिर्फ मीरापुर सीट पर आरएलडी को मौका मिल सकता है, जबकि बाकी 9 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है ताकि अपनी ताकत साथियों को दिखा सके। उपचुनाव के लिए सरकार और संगठन का पूरा ध्यान इन सीटों पर जातिगत समीकरण को लेकर है। दोनों मिलाकर जीत की रणनीति बनाई जा रही है। 2022 में बीजेपी को इन 10 में से 8 सीटों में चुनाव लड़ी थी, उनमें से 3 पर ही जीत हासिल की थी। सपा ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 जीती थी, जबकि निषाद पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 पर जीत दर्ज की थी। रालोद ने 1 मीरापुर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में सहयोगी दल का प्रदर्शन भी बहुत खराब था, चाहे सुभासपा हो या निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल एसओ, तीनों ही सहयोगी दल अपने समाज के वोट को सही तरीके से समेट नहीं सके। राजभर समाज के नेता कहे जाने वाले सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए। मछुआरा समाज की रणनीति करने वाले संजय निषाद भी लोकसभा चुनाव में अपने समाज का वोट हासिल नहीं कर पाए। बीजेपी के सिंबल पर होने के बाद भी संत कबीर नगर से उनके बेटे प्रवीण निषाद को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अपना दल एसपी इस बार कुर्मी वोटरों को अपनी तरफ लाने में नाकामयाब रहा। यही वजह है कि उपचुनाव में बीजेपी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। सीएम योगी खुद संगठन के साथ मिलकर उपचुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं। योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कठेरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले ली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक को भी 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। केशव प्रसाद के जिम्मे फूलपुर और मझवा है। ब्रजेश पाठक सीसामऊ और करहल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की जिम्मेदारी मिली है। धर्मपाल सिंह को अलीगढ़ की खैर विधानसभा और गाजियाबाद की सदर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस चुनाव में सीएम योगी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, इसीलिए वो किसी भी गलती को करने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।